चुप करो। मैं आज मलीर कोर्ट गई थी, हमारा एक केस था, अली हसनैन सरगाना जो वकील है उनके खिलाफ, वो मेरे एक्स हस्बैंड भी है। मेरे भाई का चेक बाउंस हुआ था, मैं मलीर कोर्ट गई थी, हम इंसाफ के लिए गए थे, हम वहां जो आईन में लिखा हुआ है पाकिस्तान के, और जो हमारा हक है हमारे इस्लाम का, हमारे मुल्क में जो हमारा हक है, हम अपनी कोर्ट में गए थे, हम अपने मुल्क की कोर्ट में गए थे, हम अपने वकील के साथ गए थे, हम वकीलों के पास और जजों के साथ पास गए थे इंसाफ के लिए। वहां अली हसनैन सरगाना ने अपने सारे दहशतगर्द दोस्तों को जमा करके रखा था, जिन्होंने हमें घेर लिया, यरगमाल बनाया और मेरी इंतहाई बेहुर्मती की, गालम गलोश और इतना मुझे मारा और मेरे भाई को मारा कि मैं वहां पर बेहोश हो गई। मैं चीफ जस्टिस साहब से ही कहना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस साहब सारे काम आपको नजर आते हैं, जो आपका काम है कानून बनाना और कानून से इंसाफ दिलाना, वो क्यों नहीं नजर आता आपको? ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि उसके वकला के नाम पे जो लोग धब्बे आए हैं और जो औरतों को मार रहे हैं, कोर्ट में आने वाली वो औरतें जो इंसाफ के लिए आ रही है, क्या हम वहां झगड़ा करने गए थे या हम वहां पर मारपीट करने गए थे? हम तो इंसाफ के लिए गए थे। हमारे साथ क्या हुआ वहां? कौन था वो इतना बड़ा इदारा जो कि कोर्ट है, मलीर कोर्ट, वहां कोई कानूनी इदारा मौजूद नहीं था जो हमें बचाता, हमें महफूज करता। पुलिस वालों को इन्होंने मारा, गार्ड्स को इन्होंने मारा, हमें इन्होंने मारा, हम इंसाफ के लिए कहां जाए? क्या चीफ जस्टिस साहब आप हमें परमिशन देते हैं कि हम अपने इंसाफ खुद लें, हम ना आए आपके पास? आपके पास वो निजाम नहीं है जो हमें इंसाफ दे सके, हम खुद अपना इंसाफ लेंगे। फिर मत बोलना आप, फिर मत बोलना हमारे साथ जुल्म हो रहा है, या तो मैं खुदकुशी करूंगी और चीफ जस्टिस मेरे कत्ल के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस, मैं कह रही हूं मुझे इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। ये जितने वकीलों ने हमें मारा, बेहुर्मती की है, इन सबके लाइसेंस अगर कैंसिल ना हुए तो मैं अपने आप को खुद चीफ जस्टिस के सामने जाके जलाऊंगी, और मैं देखती हूं किस तरह ये बैठेंगे, किस तरह ना इंसाफी होगी और हमें इंसाफ ना मिलेगा। मैं खुद आऊंगी इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब आपके सामने इंसाफ लेने के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इमरान खान साहब, मैं तो आपकी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं तेरी के इंसाफ का हिस्सा हूँ, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं मजलूम हूँ, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। मैं